ভক্তের মাঝে ভালো কে লাঠি গুলি বাংলাদেশে 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 জয় হোক জয় হোক বাংলাদেশি গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক বাংলাদেশি গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক বাংলাদেশি গো ব্যাক গো ব্যাক গো ব্যাক नमस्कार, मैं जून मैसी, आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पे आसाम से लोग आए हैं, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही बिल के खिलाफ जो नागरिकता संशोधन बिल है। हमारे साथ में आसाम से आए हुए कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो खिलाफत कर रहे हैं इनका क्या। सर, आप लोग कह रहे हैं बांग्लादेशी गो बैक, और सिर्फ बांग्लादेशी के उसमें तो नहीं है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी है, लेकिन आप लोग मेन बांग्लादेशी को गो बैक क्यों कर रहे हैं? जी, मेरा नाम मृगन ज्योति कश्यप है और मैं ऑल असम स्टूडेंट एसोसिएशन न्यू दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ। जो आपने प्रश्न पूछा है मुझे कि बांग्लादेशी हम लोग क्यों गो बैक कर रहे हैं, पहला बात यह है कि हम लोगों ने असम में 1951 जो दूसरे स्टेट का कट ऑफ डेट है सिटीजन्स का, इलीगल लीगल सिटीजन्स का, वो हम लोग असम के साथ वो अलग है। 1971 असम का 24 मार्च है हम लोगों का लास्ट डेट, और वहाँ पे हम लोगों ने 20 इयर्स बांग्लादेशी एक्स्ट्रा बांग्लादेशीज का हम लोग ने लीगली उन लोगों का बोझा हम लोगों ने लिया है। और अभी जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 का जो है, इन लोग इससे ये होगा कि जितने भी बांग्लादेश के लोग हैं वो असम में आएंगे, पाकिस्तान के लोग असम में जाके नहीं रहेंगे, क्योंकि जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वो असम के साथ शेयर करता है। तो इसीलिए बांग्लादेशी लोगों के साथ हम लोगों का ट्रेड है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं बांग्लादेशी गो बैक। संशोधन बिल ऑलरेडी लोकसभा से पास हो चुका है, राज्यसभा में अभी तक का तो पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है अभी इस वक्त तक। क्या मानते हैं सर, अगर ये बिल पास हो गया तो आप लोग जिस हिसाब से खिलाफत कर रहे हैं क्या ऐसा ही रहेगा या कुछ विकल्प निकलेंगे, क्या लगता है? हाँ जी, आज बीजेपी के पास पावर है, उन लोगों के पास नंबर है, तो इसीलिए उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंस को डिस्ट्रॉय करके आज ये बिल उन लोगों ने हम लोगों के ऊपर अनडेमोक्रेटिक तरीके से हम लोगों के ऊपर थोपा गया है, और इसका हम विरोध करते हैं। और ये जो आपने बताया कि राज्यसभा में अगर पास हो जाएंगे तो हम लोगों का जो ये संग्राम है, जो ये आंदोलन है, ये हम लोगों का और इससे भी भयानक रूप से हम लोग करेंगे। आज एग्ज़ाम है फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेई न्यू, जामिया मिल्ला, हर जगह से विरोध हो रहा है। और कल परसों जब ये नागरिकता संशोधन बिल अब राज्यसभा के साथ पास हो जाएगा तो हम लोग और इससे और ऊपर से और जोरदार तरीके से इसका विरोध करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी हम जाएंगे। सर, असम में हर कोने कोने में आग ही आग दिखाई दे रहा है, कई आग जल रहे हैं और कई पर रेलवे ट्रैक में लोग बैठ के आंदोलन चला रहे हैं, तो इस तरीके के प्रोटेस्ट, इस तरीके के आंदोलन का रूप जो धारण कर रहे हैं, तो इसमें क्या लगता है कि बिल इस तरीके के आंदोलन के बाद वापिस हो जाएगा? आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज बीजेपी के साथ में नंबर है, लेकिन बीजेपी सरकार ये मत भूलिए कि ये इन्हीं बीजेपी सरकार को हम लोगों ने चुन के उन लोगों को पावर में बिठाया था। आज वो लोगों के पास नंबर है तो जो उनके दिमाग में, जो उनके जहन में आ रहे हैं वही कर रहे हैं, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जिस दिन हमें इस सरकार के खिलाफ जब इलेक्शन आएगा तो हम लोग उन लोगों के अगेंस्ट में जाके प्रूव कर देंगे। और मैं आशा रखता हूँ कि जितने भी लोग हैं इस हम लोगों का जो ये आंदोलन है, उस आंदोलन में आइए, भाग लिए, और असम के साथ और बाकी दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ जुड़कर हम इसके अगेंस्ट में और जोरदार तरीके से आंदोलन करेंगे। आर्टिकल 14 के बारे में क्या आ रहा है? ना, आर्टिकल 14 के तहत जो मानना है टोटली उसके अगेंस्ट में है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हाउ कैन यू चूज ए पर्सन, वो सिटीजन होगा या सिटीजन नहीं होगा, तो यही मेन प्रॉब्लम है, यही वायलेट होता है हम लोग। और इस उससे भी इम्पोर्टेंट बात, 855 जो मार्टियर हुए थे असम आंदोलन में, और उसके बाद जो असम एकॉर्ड हुआ था टोटली उसके अगेंस्ट में है, तो इसीलिए हम लोग असम के जितने भी जनता है इसके खिलाफ है। थैंक यू सर। जिस तरीके से असम में चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रहा है, और आज आप लोग जंतर मंतर भी पहुंच गए हैं और इस तरीके के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लगता है, जैसे देश में इस तरीके का आंदोलन है कि मुसलमान के खिलाफ ये हो रहा है, लेकिन आप लोगों का क्या विरोध है कि आसाम की संस्कृति को बचाने के लिए? ये तो मैं क्या बोलूं, कल्चर को बचाने के लिए क्या, अभी जैसे किसने बताया कि ये तो बीजेपी गवर्नमेंट अफवाह फैला रहा है थे कि ये मुसलमान का विरोध नहीं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का बात नहीं है। आसाम जो है, आसाम एक कल्चरल स्टेट है, तो अगर ये जो CAB है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, अगर ये बिल अगर अमेंडमेंट हो गया तो असम, उस हम लोग
असमिस लैंग्वेज में अखोमिया जाति बोलते हैं जो असमिस नेशन है, असमिस नेशन इस दुनिया से मिट जाएंगे, असम का कल्चर नहीं रहेंगे, असम का लैंग्वेज नहीं रहेंगे, तो कौन सा असमी चाहेंगे कि अपना मातृभाषा खो जाए, अपनी मातृभाषा अपना अपना जो कल्चर वो ख़त्म हो जाए। तो अगर ये बिल वीजीबी गवर्नमेंट अगर ये इस बिल अगर अमेंडमेंट हो गया जैसे कि लोकसभा में अमेंडमेंट हो मतलब ये पास कर दिया, अभी राज्यसभा में भी पास कर देंगे, अगर ये बिल पास हो गया तो असम का जो नाइबर कंट्री है बांग्लादेश से अपकमिंग 15 इयर्स में कम से कम 1 करोड़ 90 लाख हिंदू बांग्लादेशी असम में आएंगे। अगर ये 1 करोड़ 90 लाख हिंदू बांग्लादेशी आएंगे तो असम में जितना जैसे कि 126 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 126 कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी जो जैसे कि हम लोग का बोरो भाई का जो रिजर्वेशन है वो अलग बात है, बाकी जितना कॉन्स्टिट्यूंसी है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी अपकमिंग आज से 15 साल के बाद एक भी इंडिजिनियस असम का जो इंडिजिनियस लोग है एक भी MLA हो नहीं सकेगा, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1.5 लाख 2 लाख हिंदू बांग्लादेशी घुस जाएंगे। अगर 1.5-2 लाख हिंदू बांग्लादेशी घुस जाएंगे तो हम लोग का असामीस एक भी MLA नहीं रहेगा, तो हम लोग का अगर एक भी असामीस MLA नहीं रहेगा तो इन फ्यूचर हम लोग जिंदा रहने जिंदा मतलब जिंदा लाश बन के रहेंगे। तो इसलिए वी डोंट वांट, वी अपोज दिस कैप एंड एनी हाउ बाय हु कैन कुक वी दैट मीन्स वी विल रिजेक्ट दिस कैप। अगर ये बिल राज्यसभा में पास भी हो जाएगा तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में असम में जितना ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग सुप्रीम कोर्ट में PIL सबमिट करेंगे, करके भी हम लड़ेंगे, लड़ के इस बिल को हम फाड़ के फेंक देंगे, और इस बिल को फाड़ने के बाद असम का जो बांग्लादेशी दल्ला है CM सर्बानंद सोनोवाल और हिमंत बिश्व शर्मा को हम असमिया लोग पीट पीट के बांग्लादेश में फेंक देंगे। सर, जिस तरीके से धर्म निरपेक्ष कहा जाता है हमारे भारतवर्ष में और इस तरीके के हरकतें जो हो रहा है अभी, क्या मानते हैं कि धर्म निरपेक्ष कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, मतलब इंडिया को जब से BJP गवर्नमेंट आया तब से इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो संविधान है, संविधान को उन लोगों ने एक हिसाब से बोलने से गलत नहीं होगा, उसको जैसे कि कागज को लात मारता है वैसे बिहेव कर रहे हैं। हर जगह जात पात, जैसे कि दिल्ली आया, दिल्ली काल में एक ऑर्गेनाइजेशन असम मियाँ परिषद का सेंट्रल जनरल सेक्रेटरी हूँ, कल एक सेमिनार नेशनल एक कॉन्फ्रेंस में अटेंड किया, वहाँ बैठा, वहाँ भी पोल्यूशन, मुंबई में भी पोल्यूशन, हर जगह पोल्यूशन, पोल्यूशन ऐसे जैसे कि यार पोल्यूशन वैसे नहीं, जात पात का पोल्यूशन, मतलब जात पात का पूरा देश में BJP सरकार पोल्यूशन फेंक के इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर रहा है। तो इस तरीके की वातावरण को परिस्थिति पैदा करके क्या मेन मुद्दे से कहीं ना कहीं भटके हुए नजर आ रहे हैं जो हमारे मेन मुद्दे हैं? हाँ, मेन मुद्दे में जैसे कि देखिए BJP जो गवर्नमेंट है उन लोग सरकार में आने से पहले उन लोगों ने जो जो वादा किया था काम तो एक भी काम किया नहीं, अभी देखिए 5 साल चला गया दूसरा गवर्नमेंट आया, आज भी उन लोगों ने जो जितना भी उन लोगों ने वादा किया था एक भी काम पब्लिक का किया नहीं, सिर्फ जैसे कि TV पे एड देता है कि फेरेल अबली लगाने से लोग गोरे हो जाता है, तो BJP सच्ची में अगर मैं काला हूँ मैं फेरेला भी लगाने से मैं कभी गोरे नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी TV पे एड देख के लोग फेरेला भी खरीदता है, तो इसी तरह मतलब BJP जो है कॉरपोरेट कंपनी जैसे ब्रांड को बेचता है, ऐसे उन लोगों ने मतलब बातों फेंक के लोगों को बहका के BJP में ला रहा है, ओरिजिनली पब्लिक के लिए 0.1% काम भी नहीं किया। वो लोग बोलता है कि मतलब हिंदू भाई लोग को बोलता है तो हिंदू डेंजर में, मुस्लिम भाई लोग का काम में मुस्लिम लीडर से घुसा देता है कि मुस्लिम डेंजर में, अरे भाई अगर डेंजर में है लोरोगे कैसे, लाठी से लोरोगे।
जिस तरीके से सर आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या लगता है कि बिल पास हो जाएंगे उसके बाद ही प्रदर्शन रहेगा, बिल पास होने के बाद खत्म हो जाएंगे? मैम, सबसे बड़ी बात है बिल पास होना नहीं होने की बात नहीं है, जो हमारे संसद है, संसद में जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये देखना चाहिए किसके लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं। एक पूर्वोत्तर में आप अगर जाएंगे, क्योंकि रेस्ट ऑफ द इंडिया और पूर्वोत्तर की पोजीशन थोड़ा सा डिफरेंट है। पूर्वोत्तर में जब भी बीजेपी गवर्नमेंट आए थे, आपकी 2014 में जब मोदी जी आए थे वहाँ पे उन्होंने कमिटमेंट किया था कि 16 मई की बात कोई भी बांग्लादेश है, एक्चुअली यहाँ पे जैसे प्रेजेंट किया जा रहा है बिल को कि हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम एंड रेस्ट ऑफ द लैंग्वेज मतलब रिलीजन, हमारे वहाँ रिलीजियस वार नहीं है, ये बेसिकली बांग्लादेशी इमिग्रेंट के वार है। तो आप एक बताइए, नॉर्थ ईस्ट में हर कोई चाहता है कि इसको नहीं लागू किया जाए, तो जबरदस्ती आप अगर किसी को इम्पोज करना चाहेंगे नॉर्थ ईस्ट में, क्यों नहीं चाह रहे? क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेशी प्रॉब्लम मतलब इंडिपेंडेंट की बात, पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात बांग्लादेशी प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हमारे बॉर्डर कोई डिफाइन नहीं है, बॉर्डर ओपन बॉर्डर है, कोई भी बांग्लादेशी वहाँ से दिक्कत नहीं यहाँ पे आ जाता है, वो बांग्लादेशी बेसिकली बांग्लादेशी, दे आर नॉट हिंदू और मुस्लिम। मेन आप लोगों का ये है कि आप लोग अपने कल्चर को बचाना चाहते हैं, कल्चर को, क्योंकि असामीज जो है ना कोई रिलीजन के बेस कोई कल्चर नहीं है, असामीज लैंग्वेज बेस है, असामीज जो लैंग्वेज है जो लोग बोल रहे हैं तो वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम लोग सब लोग मिल के रह रहे हैं वहाँ पे। तो आज अगर आप इम्पोज कर रहे हैं, आपने जब शासन में आने से पहले आप बोलते हो कि हम लोग बांग्लादेशी को हटाएंगे, हर किसी को पता है नॉर्थ ईस्ट में बांग्लादेशी प्रॉब्लम है, आप ये कमिटमेंट करते हो लोगों का कि मुझे समय दो, मैं 16 मई की बात एक एक बांग्लादेशी को हटा दूंगा। 16 मई, 6 साल हो गया, 6 बार 16 मई आया है, ठीक है, तो हम ये पूछना चाहते हैं 16 मई कब आएंगे मोदी जी, कब आएंगे? दूसरी बार अभी इन्होंने बोला कि हम इसको मॉडिफाई करेंगे, बांग्लादेशी प्रॉब्लम जो है नॉर्थ ईस्ट का अलग है, तो कैब या आपकी जो अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, तो ये हम नॉर्थ ईस्ट में अलग से प्रेजेंट करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिल्ली में रह के बांग्लादेशी प्रॉब्लम नहीं है, दिल्ली में पाकिस्तानी किसी को ला के कहीं कैंप पे रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी भरा पड़ा हुआ है, हम और बोझ नहीं ले सकते हैं, और ये बहुत बड़ा लड़ाई है, इसलिए आप लोगों को ये लगता है आपका कल्चर कहीं ना कहीं बर्बाद, ये कल्चरल लड़ाई है, कल्चर को प्रॉब्लम है, ये कल्चर को है और लैंग्वेज भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बांग्लादेशी जो बांग्ला है और असमीज लैंग्वेज, ये हमेशा लड़ाई होकर रहा है, पहले भी लैंग्वेज वार हुआ है, पहले 1970s के करीब हमारी ये भाषा आंदोलन हुआ है, बहुत लोगों का जान गया है, 80s में हुआ है, फिर आप वही सेम सीजन लाना चाहते हो। सर, असम के अभी कोने कोने में दिखाई दे रहा है कि आग ही आग दिखाई दे रहा है, चारों तरफ और रेलवे ट्रैक में होगा ही। मैम, आप अगर किसी के चीने में हाथ रखोगे ना, दिल पे हाथ रखोगे, दिल जब रोता है ना तो वो आग नहीं होता है, वो रिवोल्यूशन है, वो डिफरेंट चीज़ें होता है। 1980s में जो हुआ था, कितना लोग मर गए, एवरीबडी कम और सब लोग बाहर आ गए थे। आज देखिए कैब को लेकर प्रोटेस्ट हर जगह हो रहा है, मगर असम में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई भी नॉर्थ ईस्ट का न्यूज़ चैनल आप निकाल के देखिए तो क्या हो रहा है, वो एक्चुअली दिल पे लगा हुआ चोट है, क्योंकि हम लोग इमोशनल है, हमारी भाषा में अगर आएंगे, हमारे कल्चर में अगर कोई यहाँ से आएंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। আমি এইখিনি সময়ত যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত আছোঁ, যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত অসমৰ পৰা অহা বহুত লোক ইয়াত আছে আৰু তেওঁলোকক খিলাফত কৰিছে নাগৰিকতা সংশোধন বিলৰ ওপৰত। আমাৰ লগতে অসমৰ পৰা অহা মানুহ আছে, আমি তেওঁলোকক সুধিম যেন এই বিলখনৰ যে খিলাফত আপোনালোকে কৰিছে কিমান মানে, যেন এই খিলাফত মানি ল'ব চৰকাৰে? আমাৰ কথা মানে নেমানে আমি নেজানো, মই জানো ৰাইজেই প্ৰজা, ৰাইজেই ৰজা, আমি ৰজাক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিলোঁ, ৰজাই যদি ভাবে যে তেওঁলোকে যি কৰিছে সেইখিনি সত্য, বাকী মানুহে একো নেজানে, তেনেহ'লে ভুল কৰিছে। শাসকত যি এতিয়া আছে তেওঁলোকে বুজি পাব লাগিছিলে যে যিটো চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিল, তাৰ পৰা আমাৰ অসমবাসীৰ, স্পেচিয়েলি মই টকিং এবাউট ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি, কিমান ক্ষতি হ'ব পাৰে, নট অনলি লেংগুৱেজ, নট অনলি কালচাৰ, লগতে ইমানখিনি এটা আমাৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট আছে, ইমানখিনি মানুহক ৰাখিব ক'ত? সংস্কৃতি কালচাৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে বাধা বিঘিনি হ'ব, আমাৰ অসমখনক ভাগ কৰিব বিচাৰিছে একচুৱেলি। নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানখিনি আমাৰ ষ্টেট আছে আমাকতো ভাগ কৰিলেই, তেওঁলোকে ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট দিলেই, এতিয়া থাকি গ'লো ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি আৰু বৰাক ভেলিটো অলৰেডি মাইগ্ৰেণ্ট বাংলাদেশে ভৰি আছে, আমি এতিয়া হোৱাই আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলিৰ মানুহখিনিয়ে চাফাৰ কৰিব লাগে, কাৰণ আমি আজিৰ কথা ভাবিলে নহ'ব, মোৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন, আমিতো পাছত গৈ আমি চিটিজেনশ্বিপ আমি ৰিফিউজি হৈ যাম, আমি ইণ্ডিয়াৰ
মানে সিটিজেনশিপৰ কাৰণে আমি পাছত আমি রাইট রাইটৰ কাৰণে আমি লড়িব লাগিব ইউ হ্যাভ টু ফাইট ফর দ্যাট দ্যাট ইজ দ্য রিজন আই থিংক দিস বিল ইজ নট গোয়িং টু গিভ এনি পার্পাস টু দ্য আসামিজ পিপল দ্যাট ইজ দ্য রিজন উই আর এগেইনস্ট দ্য বিল আমি ইয়ার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করো মই আমি গভর্নমেন্টক অনুরোধ জানাইছো আকৌবাৰ ভাবি চক বাকী ষ্টেটৰ ইমান প্ৰব্লেম নহ'ব যিটো অসমবাসীৰ জীৱনটো প্ৰব্লেম হ'বলৈ গৈ আছে অসমৰ চাৰিওতৰফ চিনা জুয়ে জুই জ্বলি আছে আৰু ৰেলৱে ট্ৰেকতো দেখিছোঁ মানুহ বহি পেলাই প্ৰদৰ্শন কৰি আছে কেনেকুৱা প্ৰদৰ্শন হৈ আছে তাৰপিছতো কেনেকৈ মানে যেন এই বিলখন পাছ হৈ যোৱাৰ পিছত মানুহ এনেকুৱা প্ৰদৰ্শন কৰিয়ে থাকিবনে নে বাপিচ লৈ চ' আমাৰ কাম আমি ৰাইজক মানে শাসকক প্ৰগত কৰা যে আমি এই বিলখন মনা নাই এতিয়া শাসক দলে যদি ভাবিছে তেওঁলোকে সংখ্যাৰ নাম্বাৰে এই এই এমেণ্ডমেণ্ট বিলখন আনিব পাৰিব তেনেহ'লে আমিও ফাইট কৰি থাকিম আমাৰ ৰাইটৰ কাৰণে বিকজ দিছ ইজ আৱাৰ ৰাইটছ উই আৰ ফাইটিং ফৰ আৱাৰ ৰাইটছ আমাৰ ব্যক্তিগত যি আমাৰ ৰাইট আছে তাৰ কাৰণে আমি ফাইট কৰি আছোঁ আৰু ফাইট কৰি গৈ থাকিম আৰ্টিকল ফৰ্টিনে ৰিলিজিয়াছ প্ৰচিকিউশ্যন লৈ পিনি কেতিয়াও হয় মানে মই ভাবোঁ কেতিয়াও এইটো লৈ পিনি ছাপৰ্ট নকৰে ইয়াৰ পাছতো যদি আজি ৰাজ্যসভাতো বিষয় পাছ হয় তাৰ পাছতো আমি সুপ্ৰিম কোৰ্ট আছে য'ত নেকি হাই হাই সুপ্ৰিম কোৰ্টে হয়তো ইয়াৰ ৰায় দিব ন্যায়পালিকাই আমাক ৰায় দিব আমি তাৰে আশাবাদী থেংক ইউ অসমীয়া জাতি লং লিভ লং লিভ লং লিভ অসমীয়া জাতি লং লিভ লং লিভ লং লিভ কে বামি না মানু না মানু না মানু কে বামি না মানু না মানু না মানু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হাই 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 ওম সরকার হাই 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 কেন্দ্র সরকার কাম নাই কাম নাই কাম নাই বিজেপি ঠিক 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 কে বামি না মানু না মানু না মানু কে বামি না মানু না মানু না মানু নাগরিকতা সংশোধনী বিধেয়ক